सुहागी क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के साक्ष्य ढूंढने का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। वहीं वन विभाग के आला अफसरों का तो ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में भी तेंदुआ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बहरहाल तेंदुए की हलचल की खबर से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुहागी क्षेत्र में टीआई बंगले के पास परशुराम कॉलोनी में तेंदुए की मूवमेंट के बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सीसीटीवी में भी तेंदुआ देखा गया है और लगातार उसकी आवाजाही क्षेत्र में बनी हुई है और वो जानवरों का भी शिकार कर रहा है। रविवार के दिन रात 11 बजे के आसपास की बात है, करीब 11:06 पर हमारे घर में सीसीटीवी लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ है, साइटिंग करता हुआ वो यहाँ बाजू के प्लॉट से आया और यहाँ विचरण करता हुआ अपने शिकार की खोज में घूमता हुआ थोड़ा देर रुक कर बात कर मतलब थोड़ा देर रुक कर आसपास का माहौल देख के अपना शिकार देख के यहाँ उससे जब कुछ नहीं मिला तो इस तरफ से जाते हुए वो चला गया आगे तरफ। वन विभाग की टीम आ रही है पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तेंदुआ आए दिन घूम रहे हैं, सुबह भी शाम भी। किसी बच्चे को अगर कुछ कह दिया तो वन विभाग सरकार क्या कर रही है, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। दिक्कतें हो रही है, सरकार क्या कर रही है, सब दहशत में है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, ना बच्चे खेल पा रहे हैं। हाँ तो परसों के दिन निकला था तेंदुआ तो यहाँ से ऐसे निकला है सामने से और ऐसे आया। आज सुबह किसी कारोबार से हम लोग कहीं गए थे तो बच्चों ने देखा कि दिन में निकला है 9:30 करीबन ये सामने से और निकल के इस तरफ गया। वहीं सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला भी मौके पर पहुंचा और तेंदुए की तलाश करने साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया, लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। बल्कि वन विभाग के अफसरों का कहना तो ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज में भी तेंदुआ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। तेंदुआ की सूचना तो आ रही है 2-3 दिन से, स्टाफ भी सर्च कर रहा है मौके पर, परंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ये सुहागी क्षेत्र का बता रहे हैं, शायद टीआई साहब के बंगले के आसपास का लोकेशन है उसका। अच्छा, उसका घरों के में जो कैमरे लगे रहते हैं सीसीटीवी कैमरे, उसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी बताया हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी, वो प्रतिदिन जा रहे हैं, आज भी उन लोग गए थे। ऐसा सूचना मिली थी कि एक कुत्ते के बच्चे को शायद वो ले गया है, तो इसके भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं वहाँ। दूसरा जानवर हो तो सकता है, कुछ स्पष्ट आए तो स्थिति की था तो पहले एरिया कॉरिडोर है ही आसपास उसका। नहीं, टीम इस हमारे लिए पहले, हमारे पास पहले से टीम रेस्क्यू स्क्वाड में सक्षम लोग हैं और वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो रेंजेस की टीम रहती है, जहाँ जरूरत पड़ती है तो हर रेंज में स्टाफ है, हम उसको बुला लेते हैं। वन विभाग की नाकामी के बाद स्थानीय लोगों में तेंदुए का खौफ और ज्यादा बैठ गया है एवं उन्हें उसकी दहशत से निजात दिलाने की मांग की है।